यहाँ पे बेटी केरल केरल हिस्टियर करेगी मतलब सारे केरल हिस्टियर अलीशा कितने गया माशी तेरी मत सली करो ना आ गए टाइम की कमी को देखते हुए जॉब का हवाला दुआ कर रहे हैं ये आगे जाके हम एक मिनट जाएंगे और इसके साथ ही हम चौर चौर पाकिस्तान का जुलूस किंग फैमिलीज की तरफ से आहिस्ता बढ़ता बढ़ता स्टेज की तरफ आ रहा है। हम चर्च ऑफ पाकिस्तान के जुलूस को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं किंग फैमिलीज की तरफ से, दीगर फैमिलीज की तरफ से जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खुदा आपके साथ हो, पर सब आपके साथ हो, आपकी कलीसिया के साथ हो, पूरे जुलूस के साथ हो। जुलूस आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ आगे, जैसे ही आप थोड़ा सा पैसा साहब आगे बढ़ेंगे तो आपको गदसल्ली का बाग देखने को वो मंजर नजर आएगा। फिर आगे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे जो रास्ता है स्लीपी रास्ता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो स्लीप यीशु मसीह की स्लीपी खाली है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए तो फिर आपको कब्र का मंजर नजर आएगा, यीशु मसीह की कब्र भी खाली है। भाई साहब आप खुद भी देखिएगा, अपने कलीसिया को भी दिखाइएगा, 34 चक की कलीसिया को दिखाइएगा, हमारे भाइयों को दिखाइएगा, बहनों को दिखाइएगा, बच्चों को दिखाइएगा। देखें आपके यीशु मसीह की स्लीप का मंजर आप आगे बढ़कर देखिए, गतसमनी बाग देखिए। बच्चों ने बहुत मेहनत किया, गिल फैमिलीज के बच्चों ने इतनी मेहनत किया है कि ये कल के लगे हुए हैं और अभी तक भी ये मेहनत कर रहे थे। तो आगे गतसमनी का बाग देखिएगा, कब्र जो कब्र का रास्ता है वो देखिएगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, देखिए सामने यीशु मसीह की स्लीप भी खाली है, स्लीप की तरफ देखिएगा, स्लीप का मंजर देखिएगा, स्लीप भी खाली है। फिर आगे आप थोड़ा सा देखते हैं तो आप लोगों को यीशु मसीह की कब्र नजर आएगी, कब्र भी यीशु मसीह की खाली है, जिस यीशु मसीह के लिए आप घर से निकले हैं। आप देख सकते हैं कि आपके आने से पहले यीशु मसीह की कब्र खाली है और आप कह सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। और आप कब्र की तरफ देखिएगा, कब्र भी खाली है। और जैसे आप देख लेते हैं तो आप आगे आ जाए, हमारी बहनें भी देखें, हम उनको भी दिखाना चाहते हैं कि आप ये आपके यीशु मसीह की कब्र खाली है, उसकी स्लीप भी खाली है। जैसे आप भाई देख लेते हैं तो आप आगे आ जाए, इस तरफ थोड़ा सा आप आगे आ जाए। आप जब आगे आएंगे तो हमारी बहनें आप आगे आएंगी तो हम अपनी बहनों को भी दिखाना चाहते हैं कि आपके यीशु मसीह की कब्र खाली है, उसकी स्लीप भी खाली है। हम उनको भी दिखाना चाहते हैं। आप इधर आगे आ जाए थोड़ा सा, भाई सब स्टेज पर आ जाए और भाई जो है वो थोड़ा सा आगे आ जाए। आप हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, हम आपकी रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं कि आप थोड़ा सा आगे आ जाए। हम अपनी बहनों को दिखाना चाहते हैं, सारा मंजर दिखाना चाहते हैं, गतसमनी बाग का स्लीपी रस्ते का कब्र खाली है, स्लीप खाली है, हम वो दिखाना चाहते हैं अपनी बहनों को, बच्चों को दिखाना चाहते हैं जो यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी को लेकर हमारे पास आई है, हमारे मोहल्ले में आई है, हमारे घरों में आई है।
तो आगे आए बहने आप आगे आए हमारे बच्चे आप हमारी बहने हैं। खुदा आपको बरकत दे। आपका सबनी बा का मंजर देखिए सामने नजर आ रहा है, फिर वो स्लीबी रास्ता नजर आ रहा है हमारा, जहाँ से हमारे यीशु मसीह ने स्लीब उठाई, स्लीब उठाते हुए धीरे धीरे चले, आहिस्ता आहिस्ता चले, फिर आगे स्लीब खाली है वो मंजर देखिएगा, फिर आगे कब्र खाली है वो मंजर देखिएगा। जैसे आप ये सारा मंजर देख लेंगे तो फिर हम जो आगे वाला हमारा सिलसिला है वो हम उसको चलाएंगे। देखिए आगे देखिए गतसमनी बाग का मंजर देखिए, स्लीबी रस्ते का मंजर देखिए, स्लीब खाली है वो देखिए, कब्र खाली है वो देखिए, और आप अपने जिस यीशु मसीह के लिए निकले हैं उसकी स्लीब को देखिएगा, उसकी कब्र को देखिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। तमाम कलीसिया को हैप्पी ईस्टर, ईद क़यामत मसीह आप सबको मुबारक हो। मैं इस कलीसिया का पासवान होते हुए इस सारी सजावट के लिए जो गिल फैमिली ने की है, और ये बहुत ही खूबसूरत स्टेज जो है वो सजाया है, और इसी तरह जो सलीबी मंजर यहाँ पर पेश किया गया है, सलीबी रास्ते से होते हुए फिर आगे खाली कब्र, ये नहायत ही बच्चों ने मेहनत करके ये बनाया है। मैं एज ए खुदा का खादम आपका पासवान बहुत बहुत उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से ये सारा सिलसिला बनाया है। और ये जो लाइटिंग की है ये भी बहुत खूबसूरत है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। बहुत बहुत मुबारक हो और जोरदार तालियों से मुबारकबाद कहें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बसम। इस चौक में हमारे लिए जो हवाला है मुकदस मती रसूल की झील उसके 28वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक भाई शहजाद गिल हमारे साथ पढ़ने में रहनुमाई करेंगे।